टिड्डी के टेरर पर मुख्यमंत्री चिंतित। आज मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी मीटिंग हो रही और टिड्डी को लेकर इस मीटिंग में रणनीति बनाई जा रही है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, मंत्री भजनलाल जाटव भी मौजूद हैं। कृषि विभाग के अधिकारी यहां शामिल हैं। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कुछ कलेक्टर और अफसर भी इस वीसी से जुड़े हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरू का फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या अपडेट? देखिए, टिड्डियों का जो प्रकोप है वो लगातार जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, हर जिले से टिड्डियां अब जहां पर पहले नहीं थी वहां पर भी सामने आ रही है, किस प्रकार की ये मीटिंग है और क्या रणनीति इसमें बनाई जा रही है? देखिए मनीषा, टिड्डी आक्रमण को लेकर सीएम अशोक गहलोत काफी गंभीर है क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती बन गई है इस कोरोना काल में। बिल्कुल, क्योंकि खरीफ की बुआई का समय आने वाला है, जैसे ही मानसून शुरू होगा खरीफ की बुआई होगी और उस दौरान अगर टिड्डी का आक्रमण होता है तो एक बड़ी चुनौती होगी और इससे निपटने के लिए सीएम अशोक गहलोत सीएमआर में समीक्षा बैठक ले रहे हैं कि विभाग की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और क्या आगे एक्शन लिया जाएगा जिससे समस्या का निजात मिले हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में कृषि का बड़ा योगदान है और इस पूरे लॉकडाउन के दौरान वैसे भी अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हुई है और कहीं ना कहीं इस बार अगर टिड्डी का आक्रमण ज्यादा होता है और किसानों को नुकसान होता है तो ये दोहरी मार होगी। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत गंभीर है कि किसी भी प्रकार से इस जो टिड्डी दल का आक्रमण है इसको नियंत्रण किया जाए ताकि किसानों को नुकसान नहीं हो और इस पर जो तमाम जो फैसले लेने हैं उनको लेकर आज बैठक है। तमाम जो आला अधिकारी हैं कृषि विभाग के वो इसी से जुड़े हुए हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जुड़े हुए हैं, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जुड़े हुए हैं, उन सबसे वो चर्चा कर रहे हैं कि अब तक इस टिड्डी दल को नियंत्रण के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि इस पर नियंत्रण किया जा सके, इसको रोका जा सके और जो खरीफ की बुआई होगी फसल की उसको नुकसान से बचा सके। अब तक जो दल आए थे उस वक्त हमारे यहाँ पर फसल नहीं थी तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब अगर टिड्डी के दल आते हैं तो ये बड़ा नुकसान हमारे लिए होगा क्योंकि माना जा रहा है कि जो अफ्रीकन देशों में इस बार टिड्डियों का प्रजनन बड़ी मात्रा में हो रहा है और जो पिछली बार जो आया था वो कम था, फिर भी काफी कुछ नुकसान देखने को मिला, लेकिन अगर ये जो टिड्डियों का दल इस बार आए हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है और इस लॉकडाउन के दौरान अगर ये नुकसान होता है तो हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी। इससे निपटने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहले से ही कहीं ना कहीं सजग है और लगातार जो कड़े कदम है वो उठा रहे हैं। सेंटर को भी उन्होंने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा था कि इसको लेकर तुरंत प्रभाव से जो टिड्डी नियंत्रण जो बनाया हुआ है केंद्र उसको मजबूत करें ताकि इस समस्या से निपटा जा सके, उसी को लेकर आज समीक्षा बैठक है। तमाम अब तक जो कदम उठाए हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि टिड्डियों पर नियंत्रण किया जा सके और कहीं ना कहीं जो समाधान है वो निकाल सके। जी पिंटू, क्या अपडेट मिल पा रही है, कितनी देर तक ये मीटिंग चलने वाली है, क्योंकि अहम मीटिंग है और कई अहम फैसले लिए जाने की इसमें उम्मीद? देखिए, टिड्डी नियंत्रण को लेकर सीएम अशोक गहलोत पहले भी कई बैठकें ले चुके हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं। फिलहाल ये समीक्षा बैठक है, उनसे ले रहे हैं कि जो भी निर्देश दिए गए थे उनको लेकर अब तक क्या कार्य किया गया है, क्या रिपोर्ट है, उसकी सारी उनसे चर्चा कर रहे हैं अधिकारियों से और आगे की जो कदम उठाने हैं, आगे की क्या तैयारी है, अगर टिड्डी दल आता है तो विभाग कितना सजग है, क्या तैयारियां विभाग की, उन सबको लेकर समीक्षा है। फिलहाल 11:30 बजे बैठक शुरू हुई थी और अभी बैठक जारी है, वन बाय वन सीएम अशोक गहलोत सबसे चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल पिंटू, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें टिड्डी टेरर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं और आज ये जो अहम समीक्षा बैठक चल रही है, सभी जो अधिकारी हैं, जो कलेक्टर्स हैं जिलों के, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है किस प्रकार की व्यवस्थाएं और करने की जरूरत है।